हाय डू फैमिली, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शाम को बज रहे हैं 6। लगता है पुणे में बारिश होने वाली है बहुत ज़ोर से। बादल पूरे काले काले हो गए हैं। आप लोग को दिखाती हूँ, दिख रहा है ये देखो कैसा मौसम है। पूरा बारिश आने वाली है, बहुत ख़राब मौसम दिख रहा है यहाँ का। मैं लेटी थी, अभी उठी हूँ थोड़ा सा। ये जितना गरज रहा है ना उतना बरसता नहीं है। देखो कैसे गरज रहा है, बरस इतना बरसना भी तो चाहिए ना उसको, इतना बरसता ही नहीं जितना गरजता है। मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, काम कर लूँ फिर चाय बनाती हूँ। बर्तन धोने को है, अभी सारा दिन यही कर कर के निकल जाता है। चाय पीने का मन हो रहा है, सोच रही हूँ थोड़ा सा चाय पी लूँ मैं। आप लोग को चाय पीना है आ जाइए हमारे घर, क्योंकि शाम हो गई है तो शाम को चाय मुझे लगती ही लगती है। आप लोग को पीना है कमेंट में बताना। सोच रही इसी में बना लूँ चाय। देखिए मैं जा रही हूँ गुलाब जामुन बनाने के लिए। 2 पैकेट यहाँ पे है और बनाऊंगी और आप लोग को दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं दूध ली हूँ 1/2 लीटर और मैं इसको कट करके निकाल लेती हूँ। एक बाउल में अभी उसको मैं कच्चे ही दूध से उसको मैं सानूंगी, उसमें गर्म नहीं करूंगी दूध को। ये देखिए मैंने दूध इसमें का निकाल लिया है और इसमें डाल दिया है इस पतीले में, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ना। हाँ, दूध और पानी मिक्स करके फिर इसका मैं आटा को तैयार करूंगी। सेम मस लेंगे, फिर उसकी छोटी छोटी बॉल बनाऊंगी। जितना इसको हाथ से मस लेंगे उतना ही मुलायम सॉफ्ट बनके रेडी होगा मेरा गुलाब जामुन। मेरा आटा तैयार हो गया। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। अब बनाऊंगी चाशनी। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पानी डाल रही हूँ मैं, गैस पे रखती हूँ। मैंने इतना पानी रखा है चाशनी के लिए क्योंकि मेरा आटा भी ज़्यादा है ना। चाशनी के लिए मैंने पूरा शक्कर डाल दिया, जितना डिब्बे में था सारा मैंने डाल दिया, फिर थोड़ा सा बचाया है और थोड़ा सा इसमें है। इसमें इलायची पाउडर पीसूंगी, तो पीस के डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है उसका। ये मेरा इलायची इलायची है, थोड़ा सा 4-5 डाला है। ये देखो मैंने पाउडर बना दिया पीस के इसका, इलायची का और शक्कर मिक्स कर दिया। अब इसमें डाल दिया मैंने। एक बार मैं इसको फिर से हाथ से मसल लेती हूँ। इतना सा सिर्फ देखिए मेरा दूध बचा, सिर्फ इतना सा ही बचा है। सारा दूध लग गया, इतना सा ही बचा, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा बचा, सारा मैंने इसमें लगा दिया। ये देखो कितना सॉफ्ट चिकना चिकना बनता। देखो दे,
इतने सारे मेरे बॉल बन गए, छोटे बड़े सब साइज के मैंने बनाए, छोटे भी बनाए बड़े भी बनाए, दोनों साइज के मैंने बनाए। मेरी चाशनी तैयार हो गई, देखो तैयार हो रही है, हो गई है बस थोड़ा सा और एक दो मिनट बस चाशनी तैयार हो जाएगी। मेरा रेडी हो गया बनके, अब इसको तलना है। मैंने इधर पहले से ही तेल रख दिया है गरम होने को, अब मैं उसको तलूंगी। हाय टू फैमिली, देखे मेरा रसगुल्ला बनके तैयार है और मैं आपको एक रसगुल्ला दिखाती हूँ उसमें कितनी चाशनी भरी है। एक निकाल के आपको दिखाती हूँ, ये देखिए निकाला डाला, अभी बहुत गर्म है तो ये देखिए कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कितना मुलायम बना है। ये देखिए आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, ये देख लीजिए, देखा आप लोगों ने कैसा बना मेरा रसगुल्ला, प्लीज आप लोग कमेंट में बताना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।